हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं एक नई नोटिफिकेशन को लेकर आया हूं जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से है फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर 2021। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन है। तो आप जैसे कि आपको यहाँ पर लिंक ना मिले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आप ज्वाइन इंडियन आर्मी नर्सिंग के वेबसाइट पे जाके कैसे ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड मार के एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ ले। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखना है आपको JOIN ज्वाइन INDIAN इंडियन ARMY, इस पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसका नाम है ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो इस पर क्लिक करना होगा आप लोगों को। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को रखना है 6348290। इस पर एंटर वेबसाइट पे क्लिक करना है। एंटर वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, कोई भी फेक ये नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग 2021, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग 2021। इस पे एक एक चीज आप बता दूंगा कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इसकी फिजिकल फिटनेस कितनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू 4 ईयर्स बीएससी नर्सिंग कोर्स कमिंग इन 2021 एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। कैंडिडेट विल बी अवार्डेड एडमिशंस इन कोर्स ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड वैकेंसीज इन ईच कॉलेजेस। तो आप देख सकते हैं कि आर्म कॉलेजेस जो है 1 2 3 4 5 6 कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया में आर्म्ड नर्सिंग कॉलेजेस। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको सब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो जैसे कि बता दूं AFMC जो आर्म फोर्स मेडिकल काउंसलिंग कॉलेज जो है पुणे में है, उसमें 40 सीट्स है आपकी। फिर देख सकते हैं कोलकाता में जो है उसमें 30 सीट्स है आपकी। फिर आप देख सकते हैं अश्विनी में आपकी 40 सीट्स है। फिर न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं 30 सीट्स है। फिर लखनऊ में आप देख सकते हैं 40 सीट्स है। फिर बेंगलोर में देख सकते हैं 40 सीट्स है। और टोटल ये जो सीट्स है आपको 220 सीट्स है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमेरिड, आपको अनमेरिड कंडीशन में ही आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एलिजिबल है। तो आप देख सकते हैं कि नेशनलिटी इसमें चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ एक मेन रोल है क्योंकि आप देख सकते हैं 1996 अक्टूबर 1 1996 टिल 30 सितंबर 2004, बोथ डेज इंक्लूड, इसके बीच जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वही एलिजिबल है। अब उसके बाद आप एडुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि 10+2 चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और अगर आप ग्रेजुएशन वाले तो बॉटनी एंड जियोलॉजी। इंग्लिश मैंडेटरी है एकदम, इंग्लिश में आप लोग को 50% कैसे भी मार्क्स चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स के होंगे, साइंस बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप लोगों के 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो अप्लाई मतलब इसमें जो पास होंगे वो आगे जाएंगे। फिर आप लोगों को यहाँ देख सकते कि ये रिजर्वेशन फॉर सीट्स, इसमें ST NCC कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि 15 सीट्स फॉर ST एंड SC कैंडिडेट्स एंड NCC वालों के लिए 25 सीट्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडियन आर्मी की तरफ से। उसके बाद आप देख सकते टेस्ट सेंटर्स जो होगी आपके चॉइस, वहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा कि आपका चॉइस कौन सा है, आप लोगों का नियरेस्ट कौन सा है। उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए मैं बता ही दिया हूँ कि ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जाना है,
इलिजिबल कैंडिडेट्स, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओनली द इलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर एबल टू पे द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फी ऑफ रुपीज 750, ये आप लोगों की फीस होगी जो आप लोगों को रखना पड़ेगा। उसके बाद ऑन सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एंड बैंक रेफरेंस नंबर DU नंबर विल बी जनरेटेड टू द फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आई है, इम्पोर्टेंट नोट आप पढ़ लीजिएगा, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन, कोई कोई ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अप्लाई कर दिया फिर भी क्यों रिजेक्ट हो गया। तो देख सकते हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, मोर देन वन, अगर आपने एक एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए हैं तो आप लोगों को दूसरा अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें नॉन पेमेंट, अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं, अप्लाई सिर्फ कर दिए हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो ब्रांच है इसको आपको देख सकते हैं, जनरल एंड मेडिकल सर्विस आर्म्ड 4B रूम इतना इतना एल ब्लॉक, फिर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली, उसके बाद इसके ईमेल आईडी है, टेलीफोन नंबर है। तो कृपया करके गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और एक लाइक मार दें, एक लाइक में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। तो थैंक यू गाइस, और ऐसे ही फर्दर एडमिशन से लेके जॉब वैकेंसीज तक मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा जो जो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए हो सके। तो ठीक है गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।